हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा निकले तो मैंने अपना एक नया चैनल खोला है उसमें मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत जैसे किचन टिप्स हैं और डेली मेरा कैसा रूटीन है यू एस में वो सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो यहाँ पर थोड़ा ठंड शुरू हो गया है तो हमारे घर में हीटिंग ऑन है बट स्टिल थोड़ा सा मॉर्निंग में तो ठंडा लगता ही है और स्पेशली फ्लोरिंग है तो पैर बहुत ठंडे रहते हैं तो सबसे पहले मैंने सॉक्स पहन लिए हैं अपने बालों को टाइटअप कर लिया है और सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ उठने के बाद वो है मैं अपने किचन में झाड़ू लगाती हूँ जो कहते हैं कि सुबह उठते से अगर किचन में फर्स्ट आप झाड़ू लगा दें तो जो घर की नेगेटिविटी होती है जो भी वो होता है वो सब दूर हो जाती है तो इसके इसलिए मैं सबसे पहले किचन में उठते से झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद अब मेरा सेकेंड एक्टिविटी शुरू होगा वो जो है वो है चाय बनाना तो मेरे को तो चाय बहुत पसंद है तो दिस इज माई वीकनेस कि मुझे मॉर्निंग में एक कप चाय जरूर चाहिए और लेकिन मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं तो उनके लिए मैं दूध गर्म करती हूँ और अपने लिए मैं इधर से चाय चढ़ा रही हूँ तो इसके साथ मैं आपसे एक मॉर्निंग मेरा जो रूटीन है वो शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो यूएसए में ना डेंटिस्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है तो अपने दादों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है तो इसके लिए एक मेरे पास टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो ये ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल है इसका एक स्पून आप मॉर्निंग में लीजिए थोड़े से विंटर है इसलिए सॉलिड हो रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा वॉर्म करके लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए और एक चम्मच लेने के बाद आप इसको अच्छे से कुल्ला कीजिए एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट्स इसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो वॉट इज द ऑयल पुलिंग सो उस ऑयल पुलिंग के बाद और सबसे फर्स्ट चीज़ ये कि आप उसको आ, जब आपको स्पीड करना है ना तो ट्रेश कैन में कीजिए अदरवाइज आपका जो सिंक है वो बहुत गंदा हो जाएगा तो मेरा ये आई पुलिंग हो गया है मैंने ब्रश कर लिया है तो मेरा जो ये सब चीज़ें वो हो, हो गया उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बेट, बेटी दोनों के लिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ तो आपने देखा ही है कि मैंने भिंडी बनाई है सो भिंडी जो है मैंने पहले से वन डे पहले ही कट करके रख दी ताकि ईजी हो जाता है मॉर्निंग में सब काम करना तो भिंडी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है सिर्फ थोड़ा सा गार्लिक और जो अपना ग्रीन चिली है उसे काट करके थोड़ी सी हिंग डाल के और बस उसको बघाड़ दिया है और ये एक और नई आई मीन नोट नहीं बट एक और किचन टिप है जब भी आप रोटी बनाएं ना तो उसके पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डाल दें और गैस ऑन कर दें आपका तवा के साथ साथ आपका जो सॉल्ट है ना वो भी अच्छे से गर्म होता है उसके बाद आप इसको वाइप कर लें और वाइप करके इसको आप सिंक में थ्रो कर दें ठीक है इससे क्या होता है ना आपकी रोटियां जो है वो जलती नहीं है और यूँ कहते हैं कि इससे सारी जो आप नमक से इसको वाइप करते हो तवे तो को इससे भी आपकी सारी जो गंदगी होती है जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब आपके घर से दूर होती है तो ये एक बहुत अच्छा टिप है तो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जरूर करिएगा तो ये हम मैं रोटी बना दे रही हूँ फटाफट आप देखेंगे देखो इसमें जब नमक डालने के बाद आप रोटी बनाते हो तो रोटी बिल्कुल भी आपकी जलती नहीं है इनकेस अगर आप रखना ही मतलब रोटी रख के ही भूल गए तो वो अलग बात है तो अब मेरी सब्जी और रोटी दोनों बन चुकी है तो अब मैं सोचू थोड़ा नाश्ता बना लिया जाए तो नाश्ते में मैं आज पोहा बना रही हूँ तो पोहा मेरे घर में सबको बहुत पसंद है तो उसके लिए कड़ी पत्ता लिया है राई है सौंफ है जीरा है हरी मिर्ची प्याज ये सब मैंने डाल दिया है और इसके बाद थोड़ा सा सोते कर लेंगे और फिर अगर आपके घर में ग्रीन पीज हो तो आप वो भी डालें तो वो भी अच्छा रहता है तो मैं पोहे में, में ना ऊपर से ऐसे करके इसमें मसाले ऐड करती हूँ इससे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को कि मैंने उसमें हल्दी और नमक सिर्फ हल्दी और नमक डाला है कुछ ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डाले सिंपल बनाने में ही पोहे अच्छे लगते हैं तो ऑलमोस्ट आप देख ही हैं कि मेरा पोहा भी सब रेडी हो चुका है उसके बाद मैं अपनी बेटी का टिफिन लगाऊंगी तो उसको ना भिंडी बहुत पसंद है इसलिए मैंने आज उसके लिए स्पेशली भिंडी बनाई है तो मैंने रोटी ली उस पर सब घी अच्छे से लगा दिया है और उस पर घी लगाने के बाद मैं भिंडी लूंगी भिंडी की सब्जी लूंगी मीन्स और उसको ऐसे रोल बना के दे दूंगी क्योंकि ना वो, वो अभी सिर्फ फोर ईयर ओल्ड है तो वो उसे ऐसे बैठ ले लेके मई मीन रोटी को तोड़ तोड़ के वो खा नहीं पाती है उसको थोड़ा ईजी नहीं लगता है और स्कूल में तो स्पेशली जल्दी ही आपको खाना पड़ता है अदरवाइज तो लंच फट से ओवर हो जाता है तो मैंने ऐसे रोल कर दिया है और उसके टिफिन में रख दिया ताकि इससे क्या कि वो बस जल्दी जल्दी से बाइट लेगी और उसका लंच अच्छे से फिनिश हो जाएगा तो उसको इसके साथ मैंने उसके लिए कुछ फ्रूट्स और योगर्ट भी उसके लंच बैग में रख दिया है अब मैं नहा चुकी हूं और मैंने पूजा अपनी फिनिश कर ली है अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और नाश्ता करते टाइम में अपने घर पे बात करती हूँ इससे ना टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है तो और अब आप देख रहे हैं मेरी किचन की हालत दोनों मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जा चुके हैं आप देखिए मेरा पूरा किचन फैलाओ क्योंकि मॉर्निंग में इतना जल्दी 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 काम करना रहता है तो फटफट -फट करने के चक्कर में आप देखो कितना मैस हो गया है तो अब जल्दी से मैं अपना ये मैस जो भी मैंने फैलाया है उसको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ तो सबसे पहले मेरे को मेरा डिश वॉशर एम करना है जो कि नाइट में मैंने इसको चलाया था तो अपना डिश वॉशर एम करने के बाद मैं अपने जो बाकी के जो सिंग में जो भी बर्तन है इनको जल्दी से वॉश करके उसको फटाफट से डिश वॉशर में लाओ इससे क्या होता है ना आपका सिंग भरा हुआ नहीं लगता है मैं ना तुरंत तुरंत जो भी बर्तन होते हैं ना फटाफट उनको थोड़ा सा रिंस करके उसमें डिश वॉशर में रख देती हूँ और जो डिश वॉशर है मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार चलाती हूँ मोस्टली नाइट टाइम पूरे दिन उसमें जब बर्तन इकट्ठे करके नाइट में जब सोने जाते हैं तो उसको ऑन कर देते हैं तो हो जाता है और इस तरह से मेरा ये किचन का थोड़ा मैंने अपना काम जो है वो वाइंड अप कर लिया है और अब सिंह इसके बाद मैंने गैस क्लीन कर लिया है अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि बेटी भी नहीं है हस्बैंड भी नहीं है तो मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा पूजा के लिए घी बनाना था तो मैं उस घी की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है तो मेरे पास एक ही पैक बचा है तो मैं उसकी फोर स्टिक ले ली है और धीमी जो लो फ्लेम है ना उस पर मैं उसको रख दूंगी और धीरे धीरे उसको उसमें बनने दूंगी तो इसमें ना आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है बस आप रख दीजिए और आप बस उसको बीच बीच में आके अपना दूसरा काम करते रहिए बीच बीच में आके आप उसको बस देखते रहिए कि हाँ कैसा हो गया है तो आप देख ही रहे हैं इसके ऊपर जो भी जितना भी वो जो फॉर्म बना था वो सब हटता जा रहा है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आपका जो घी है वो रेडी हो गया है तो मेरा घी जो है वो रेडी हो गया है अब मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लूंगी ज्यादातर ना आप कांच के कंटेनर में निकाल तो बेटर रहता है क्योंकि बहुत गर्म घी होता है प्लास्टिक में तो आप पता ही है आपको प्लास्टिक का कंटेनर तो बेकार हो जाएगा और उसके बाद मैं आपके साथ एक शो करना चाहती हूँ मैं कोस्को का एक ये है मैंने बोटल्स लिए हैं जो ऑयल पंप है और जो बोटल्स हैं ऑयल के लिए ये बहुत सही हैं बहुत कन्वीनियंट हैं और अब इसी के साथ पूरा मैंने घर का और काम कर लिया जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है अब ऑलमोस्ट एक आफ्टरनून का एक बच्चु चुका है मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है तो मेरी ड्यूरी क्योंकि बाहर बहुत ठंड है तो मैंने थाइस पहना है वार्म वाला सॉक्स बूट्स जैकेट एवरी आई आई एम फुल कवर अप नाउ एंड अब मैं उसको लेके आती हूँ तो अब चलते हैं आज मैंने सोचा कि एक आपको राजस्थानी डिश आ, की रेसिपी बताई जाए जो हम लोगों को बहुत पसंद है और राजस्थान में बहुत पसंद आती है तो उस रेसिपी का नाम है बेसन के गट्टे आई होप आप लोगों ने सुना ही होगा जो भी राजस्थान से है वो तो कंफर्म जानते ही होंगे कि बेसन गट्टे क्या होता है तो चलिए वो बनाते हैं तो इसके लिए मैंने खड़ा धनिया सौंफ जीरा इसको थोड़ा सा इमाम दस्ते में कूट लिया है इसके कूटने से क्या होता है इसकी खुशबू इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अब आप थोड़ा बेसन ले लेंगे और उसमें आप वो जो हमने मसाला बनाया है वो मसाला हम उसमें ऐड कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा हींग और जो अपने ड्राई मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर वो सब इसमें डाल देंगे और नमक डाल देंगे इसमें और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा घी एक या टू वन या टू स्पून हम इसमें घी ऐड कर दें इससे क्या होगा ना गट्टे जो होंगे वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे और गट्टे सॉफ्ट ही होने चाहिए हार्ड होंगे तो खाने में कोई मजा नहीं आता है और इसके बाद हम उसमें ऑलमोस्ट दो, दो चम्मच दही ऐड कर देंगे जिससे इसका जो जो सॉफ्टनेस है वो और बढ़ जाएगा और उसके बाद हम इसका आटा गूंथ लेंगे और ये आटा लगा देना थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि जो बेसन है ना वो बहुत चिपकता है हाथों में तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें इसमें ताकि बाइंडिंग करने में आपको मतलब बाइंड करने में आपको ईजी रहे तो ऐसे धीरे धीरे करके आप इसको अच्छे से आटा लगा लीजिए इसका और जब एंड में जब आप पहुंच जाए ना तो अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लें क्योंकि बहुत स्टिकी हो जाता है ये थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसके बाद आप इसको उस ऑयल में अच्छे से बाइंडिंग कर दें इसकी अच्छे से मैश कर दें तो आपका जो बेसन का जो आटा है वो बहुत अच्छा लगेगा तो और ये जो तरीका है ना आटा गूंदने का इससे जो बेसन के गट्टे हैं ना वो उसमें बहुत बढ़िया स्पंजी स्पंजी स्पंजीसा टेक्स्चर आता है तो इस तरीके से देखिए आप आटा कितना अच्छे से लग चुका है अब ये आटा लगाने के बाद अब आप इसके हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके और फिर इसको अच्छे से मथ के Uh, इसका आटा ना जो बहुत अच्छे से लगना चाहिए अदरवाइज जो गट्टे होते हैं ना वो सॉफ्ट नहीं बनते और जब गट्टे सॉफ्ट नहीं बनते ना तो फिर uh, खाने का कोई मजा नहीं रहता है तो अब आप इसको ऐसे करके लंबे लंबे आप ऐसे शेप uh, दे के स्ट्रेनिकल शेप दे के बना लीजिए तो और एक गैस पे uh, पानी आप चढ़ा दीजिएगा क्योंकि हम इसको पानी में पहले बॉईल करेंगे तो एक गैस पे आप भगोने रखते हो उसमें पानी बन... और पानी को जब तक आपको बॉईल करना है जब तक उसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाए और इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए इससे क्या होंगे आपके गट्टे जो होंगे वो नीचे भगोने में चिपकेंगे नहीं और वो अच्छे से आपको निकालने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में जब वो पक जाएंगे तो आप देख ही रहे हैं कि पानी में कितना अच्छा सा बॉयल आ गया है अब आप अपने सारे जो आपने गट्टे बनाए हैं वो उसमें डाल दीजिए अब इनको बॉयल होने दीजिए और उसी बीच में हम अपने मसाले की तैयारी कर लेंगे जो आप मैंने एक प्याज लिया है कुछ लहसन और अदरक हरी मिर्ची और टमाटर जो नॉर्मल हम लोग मसाले में यूज करते हैं तो आप देख ही रहे हैं इसकी जो सारे गट्टे हैं वो ऊपर आ गए यही एक निशानी होती है कि आपके गट्टे रेडी हो गए हैं और जो सेकंड वो होता है आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े से उसमें आपको क्या बोल सकते हैं उनको थोड़े से ब्लिस्टर से, से नजर आएंगे थोड़े फफोले फफोले से नजर आएंगे इट मींस आपका जो गट्टा है वो एकदम पक्के रेडी हो चुका है अब आप उसको क्या करेंगे निकाल लेंगे अलग प्लेट में इधर मैंने अनियन को चॉप कर लिया है और उसके बाद मैं गट्टे जो हैं इधर देखी निकाल ही रही हूं ये तो सारे गट्टे आप अपने प्लेट में अलग से निकाल लेंगे एक एक करके और बड़े ध्यान से निकालने क्योंकि इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना कभी कभी उसी में टूट जाते हैं तो बड़ा ध्यान से और किसी के कभी गट्टे सॉफ्ट ना बने तो आप ना आटा गाते टाइम उसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर सकते हैं इससे भी वो सॉफ्ट हो जाते हैं बट ना मेरे को मैं उसको ऐड नहीं करती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो ये देखिए कितने आराम से आप इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे शेप में कट कर लीजिए उसके बाद हम एक पेन लेंगे उसमें ऑयल डाल देंगे उसके बाद मैंने टमाटर लहसन हरी मिर्ची अदरक इन सबको एक जार में लेके इसको ग्राइंड कर लेंगे एक पेस्ट बना लेंगे इसका अच्छे से आ, अब हम उस ऑयल में थोड़ा सा जीरा और ये सब कुछ डाल करके आप अनियन डाल दीजिए और अनियन को फिर हम थोड़ी देर सोते करेंगे अनियन अनियन को हम सोते करेंगे और ये जो बेसन गट्टे की सब्जी है ना आप इसको रोटी के साथ या राइस के साथ खा सकते बड़ी अच्छी लगती है और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा दही लिया है सारे मसाले जो ड्राई मसाले हैं ना दही में ऐड करेंगे हल्दी धनिया जो लाल मिर्च है वो सब हम और थोड़ा सा उसमें ये सब मिला करके उसको अच्छे से आप फेंट लीजिए और ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है और ये देखिए हमने वो जो टमाटर वगैरह थे वो सब ग्राइंड कर लिए हैं अब हमारा प्याज ऑलमोस्ट सीख चुका है तो अब इसमें हम अपना जो पेस्ट रेडी किया था टमाटर वगैरह का वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो उसके बाद हम इसको थोड़ी सी देर और सोते करेंगे ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें बिल्कुल बढ़िया कलर लग रहा है एकदम उसके बाद जो हमने वो दही के साथ जो मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे इसमें जो होता है ना दही मेन होता है क्योंकि जो बेसन घट्टी की सब्जी उसमें थोड़ा खट्टापन ना उसी से अच्छे से आता है और उसके बाद मैंने आपने देखा मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दिया है अब आप इसको अच्छे से पकने दीजिए जब मसाला जितना अच्छे से भुनता है ना सब्जी का टेस्ट उतना ही बेटर आता है तो आप मसाले को मीडियम आँच में अच्छे से पकने दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मसाला जो होता है अपना तेल छोड़ देगा ये देखिए और अब इस स्टेज पे आपको लग जाएगा कि आपका मसाला पक के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है तो अब हम इसमें जो अपने बेसन गट्टे जो जो पीस में करे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए और आप चाहें ना तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं ये एक तरह से ड्राई हो जाएगी सब्जी बट मेरे को ड्राई नहीं चाहिए थी ज्यादातर ही होती है ना जो ग्रेवी वाली ये थोड़ी सी आ, पानी वाली ही बनती है तो इसमें जो पानी आपने जो बॉईल किया था ना वो पानी आप इसमें ऐड कर देंगे और ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है और हमारी घट्टी की सब्जी रेडी है तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग बन व्लॉग खत्म होता है फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच